यह बात साल 1962 की है। रतन टाटा जी अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे और इसी बीच में एक अंग्रेज़ लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। हालांकि अंग्रेज़ लड़की भी उन्हें उतना ही प्यार करती थी और वह दोनों फैसला लेते हैं कि अब हम शादी कर लेते हैं। शादी के बहुत नज़दीक तक पहुँच चुके थे, लेकिन इसी बीच में इनके घर से एक संदेश पहुँचता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें आ जाना चाहिए। इस वजह से रतन टाटा जी इंडिया आ जाते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले लड़की को इंडिया भेजने से मना कर देते हैं। और वजह ये होती है कि भारत और चीन का उस वक्त युद्ध चल रहा था और स्थिति कुछ ऐसी ठीक नहीं थी। यह अपनी दादी के साथ अपने काम में बिजी हो जाते हैं और इसी बीच में एक खबर आती है कि उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी है। जैसे ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो इन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन इन्होंने जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई फैसले लिए वो हमेशा अपने फैसले पर अडिग रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि रतन टाटा ने अपने शादी ना करने का फैसला ले लिया था। उन्होंने कहा कि अब मैं शायद कभी शादी नहीं करूँगा। हालांकि एक दो नाम और उनकी ज़िंदगी में जुड़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने शादी की ही नहीं तो फिर किसी का नाम जोड़ने से क्या फ़ायदा। वक्त आगे बढ़ता है और 9 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर से एक खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ये बात पता चलती है तो लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो लोग रतन टाटा जी को डायरेक्ट जानते थे वो तो ज़्यादा ही दुख महसूस कर रहे थे, लेकिन जो नहीं जानते थे उन्हें भी कोई कम दुख नहीं हो रहा था। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति के चले जाने से ऐसे हर लाखों करोड़ों लोग आखिरकार क्यों दुख मना रहे हैं। ऐसा क्या था उस आदमी में जो लोग उसे इतना प्यार करते हैं, उसे इतना चाहते हैं। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि नमक मसाले, पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, ट्रक या बस, कार हो या हवाई जहाज़ का सफ़र हो, ऐसी लगभग 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पाला जरूर पड़ा हुआ है। यह है टाटा जी की कंपनी, जो ब्रांड है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लोग उसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि टाटा अपनी खुद की कंपनी हो, जैसे हम उसके मालिक हों। दरअसल यह कहानी शुरू होती है अब से 200 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात है। बात कर रहा हूँ 1822 की। गुजरात प्रदेश का एक गांव लगता है नवासारी, और वहाँ पारसी परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया था, जिस लड़के का नाम रखा जाता है नसरवांजी टाटा। दरअसल जब लड़का 20 साल का होता है 1822 में, तब उस लड़के की शादी हो चुकी थी, उसको एक बेटा भी था। उस लड़के ने फैसला लिया कि वह गांव में रहकर तो ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, वह बाहर बड़े शहर में जाएगा और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। इसलिए वह अपने बेटे को और अपनी पत्नी को लेकर अपने उस गांव को छोड़कर महाराष्ट्र प्रदेश के बॉम्बे शहर पहुँच जाता है, जिसको लोग आज मुंबई के नाम से जानते हैं, उस वक्त मुंबई के नाम से जानते थे। मुंबई में जाते हैं और वहाँ जाकर सबसे पहला बिजनेस कॉटन का शुरू कर देते हैं, और ये कपड़े का व्यापार शुरू ही किया था कि जैसे कपड़े का व्यापार उनका इंतजार ही कर रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे नसरवांजी टाटा का नाम बड़ा होता चला जाता है। इसी बीच में कुछ युद्ध भी होते हैं और वहाँ पर इनके कॉटन की मांग ज़्यादा बढ़ने लगती है। कुल मिलाकर इनकी कंपनी लगातार आगे बढ़ रही थी, इनका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जमशेदजी टाटा भी 20 साल के थे, तब उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम बाहर जाओ, दुनिया देख कर आओ, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो जैसा जोश उनके पिता नसरवांजी टाटा में था, उससे कहीं ज़्यादा जोश उनके बेटे जमशेदजी टाटा में भी था। वो पहले अपना सफ़र हांगकांग का करते हैं, हांगकांग के बाद लंदन जाते हैं, लंदन के बाद इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी कंपनियाँ खोलना शुरू कर देते हैं। कॉटन के व्यापार से कहानी शुरू होती है, उसके बाद भी फिर वो स्टील के व्यापार में चले जाते हैं, और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, इनका नाम भी बड़ा होता जा रहा था। अभी ये सेठ लोगों में इनकी गिनती होती थी, इन्हें लोग दूर से ही जानने लगते थे, पहचानने लगते थे। जमशेदजी टाटा एक बार 1888 की यह बात है, महाराष्ट्र प्रदेश के बॉम्बे शहर में एक इलाका है कालागोड़ा, वहाँ पर एक होटल लगता है ओसस होटल। ओसस होटल में जाना था इनको अपने बच्चों के साथ, लेकिन दरबान ने इनको होटल में जाने से रोक दिया। कहता है कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन लोग ही अंदर जा सकते हैं, किसी इंडियन को अंदर आने की अनुमति नहीं है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका नाम बहुत बड़ा है, ये बड़े आदमी हैं तो इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन होटल के कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर आते हैं, कोई इंडियन अंदर नहीं आएगा।
और इस दिन इन्होंने यानी कि जमशेदजी टाटा ने कसम खाई थी कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जिस होटल की गूंज न केवल इंडिया में होगी बल्कि पूरी दुनिया में होगी। इसकी गूंज होगी, साथ ही इस होटल की सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि इसमें किसी की भी बाउंड्री नहीं होगी। इसमें जो होटल का खर्च उठा सकता है पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके अंदर आ सकता है। और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो कुछ लोगों ने तो मजाक भी बनाई थी कि आखिरकार ये कितना बड़ा होटल बनाना चाहते हैं, इनका स्टील का कारोबार है, इतना कॉटन का कारोबार है और ये होटल के कारोबार में हाथ क्यों आजमाना चाहते हैं। इन्होंने होटल बनाया हालांकि कई साल, लगभग 10 से 11 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। होटल बनकर तैयार हो जाता है, मुंबई के समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया है, उस गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने एक होटल बनकर तैयार हो जाता है। साल 1903 में उस होटल का नाम रखा जाता है ताजमहल होटल। ताजमहल होटल एक ऐसा होटल है, आज भी लोग मुंबई जाते हैं घूमने के लिए तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, समुद्र किनारे खड़े होते हैं, वहाँ खड़े होकर कोई सेल्फी लेता है तो कोई वीडियो बनाता है तो कोई अलग अलग तरह की एक्टिविटी करता है। तमाम ऐसी फिल्में हैं जहाँ फिल्मों में भी उस होटल को दिखाया जाता है। बड़े सारे लोग हैं जिनकी यादों में ताजमहल होटल आज भी समाया हुआ है। वक्त आगे बढ़ने लगता है और जमशेदजी टाटा का नाम भी लगातार बड़ा हो रहा था। उन्होंने अपने पिता की जिम्मेदारियाँ खुद उठाई, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने रतन जी टाटा को दे दी। उनके बेटे होते हैं उनको दी, रतन जी टाटा ने अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं वे अपने बेटे नवल टाटा जी को दे दी। 10 साल तक उनकी पत्नी से रिश्ते ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन इसी बीच में उनकी पत्नी से विवाद हो जाता है और वो अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं। पत्नी से अलग हुए थे तब उनको दो बेटे थे, एक बेटे का नाम रतन टाटा होता है, दूसरे बेटे का नाम जिमी टाटा होता है। लेकिन जब दूसरी शादी करते हैं तो एक और बेटा पैदा होता है, उसका नाम नोएल टाटा रखा जाता है, जिनको रतन नवल टाटा के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। दरअसल उनकी शुरुआती जो शिक्षा होती है वो मुंबई के स्कूलों में होती है, उसके बाद मुंबई के ही अलग अलग स्कूल जैसे कैथेड्रल और जॉन कॉन स्कूल से भी इनकी पढ़ाई होती है। जब साल 1955 आता है तब तक वह अपने परिवार की सहमति के बाद, क्योंकि जब इनके माता पिता अलग हो जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी इनकी दादी ने संभाली थी। दादी यानी कि जमशेदजी टाटा जी की जो विधवा होती हैं उनकी पत्नी होती हैं, उन्होंने रतन नवल टाटा जी की जिम्मेदारी संभाली थी। साल 1955 में ये विदेश चले जाते हैं, हार्वर्ड चले जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई के दौरान इन्हें एक अंग्रेज लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, उस लड़की से ये शादी करना चाहते थे, वो लड़की भी इनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में इनकी जो दादी की तबीयत खराब हो जाती है, बताते हैं कि साल 1962 का वो साल था, दादी की तरफ से खबर पहुंचती है कि तुम्हारी दादी बहुत बीमार हैं, तुम्हें आना चाहिए। तब वो इंडिया आते हैं तो उस लड़की को भी साथ लाना चाहते थे जिससे शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि इस वक्त भारत और चीन का संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं, युद्ध चल रहा है, जब स्थिति ठीक हो जाएगी तभी लड़की आ जाएगी। लेकिन इसी बीच में युद्ध की स्थिति भी ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक था, वह अपने पिता की जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे, लेकिन लड़की के पिता ने धोखे से उस लड़की की शादी किसी और से करा दी। जब यह बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन उन्होंने फिर आगे शादी न करने का फैसला ले लिया था, शादी करी ही नहीं। हालांकि एक नाम और जोड़ता है जो सुर्खियों में रहता है, कभी भी सोशल मीडिया पर या अखबारों या किसी इंटरव्यू के माध्यम से ये जानने को समझने को मिल सकता है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रही हैं जिनका नाम है जिमी ग्रेवाल। जिमी ग्रेवाल एक अच्छा बड़ा नाम था, उनकी एक फिल्म आई थी कर्ज जो ऋषि कपूर के साथ थी, एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर जो राज कपूर के साथ यानी कि ऋषि कपूर के पिता के साथ आई थी, तीन देवियां और साथ ही सिद्धार्थ, इस तरह की कई फिल्में आई थी जो उन्होंने एक अपना एक शो बनाया था। उस शो में देश की महान हस्तियों को उसमें बुलाया, उनसे बातचीत की और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने रतन टाटा जी को भी बुलाया था। और जबकि यह बताते हैं कि जिमी ग्रेवाल जो होती हैं और उनके आपस में अफेयर भी होता है, उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि विदेशों में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये शादी वादी इन्होंने क्यों नहीं की, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। दो लड़कियों के भी नाम सामने आते हैं, कुल मिलाकर 4 ऐसी लड़कियों के नाम सामने आते हैं जिनके बारे में बताते हैं कि रतन टाटा जी शादी करना चाहते थे, शादी के बहुत नज़दीक तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात ऐन वक्त पर बिगड़ जाती थी और बात बन नहीं पाती थी। ऐसे वक्त आगे चलते चलते जब ये अपने पिता की जिम्मेदारियों को उठा रहे थे तो बात थी
साल 1980 की बताते हैं कि इनकी टाटा मोटर्स अपनी कंपनी में उस वक्त 4000 कर्मचारी काम करते थे और एक गैंगस्टर की नज़र इनकी कंपनी पर पड़ जाती है। गंगेश्वर ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया, इनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश करने लगा। अब रतन टाटा जी ने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस भी उस गैंगस्टर के नाम से घबराती थी, परेशान होती थी। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें, क्योंकि उस गैंगस्टर ने इनके जो कर्मचारी होते हैं उनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया था और डर की वजह से इनके कर्मचारी कंपनी में नहीं आते थे। उस गैंगस्टर का सिर्फ एक ही मकसद था, जो रंगदारी के पैसे मांगे जा रहे हैं वो दे दो, उसके बाद अपनी कंपनी में काम करें। लेकिन रतन टाटा जी ने यह सोचा कि अगर मैंने इन्हें पैसे दे दिए तो आज ये गैंगस्टर है, कल को कोई नया तैयार हो जाएगा, हो सकता है कि कर्मचारी ही इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दें। तब उन्होंने फैसला लिया कि अपने कर्मचारियों को मैसेज दिए, विज्ञापन भेजे, उन्होंने कहा कि आप कंपनी के लिए काम करिए, हम आपको ज़्यादा लाभ देंगे, आपको ज़्यादा सुविधाएँ देंगे। और सुविधाएँ देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि गैंगस्टर को पैसे देने से अच्छा है कि अपने कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जाए। कर्मचारियों को अगर फ़ायदा देंगे तो कर्मचारी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपने काम में जुट जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, रतन टाटा जी ने सोचा था कि ठीक वैसे ही होता है, कर्मचारी काम पर लौट आते हैं। और जब गैंगस्टर ने परेशान करना शुरू किया तो पुलिस ने इनकी मदद की, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। जब वो जेल से छूटकर वापस लौट कर आता है तो बताते हैं कि उसने कसम खाई थी कि रतन टाटा जी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, इनकी कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही थीं, ये हर बात कोई ना कोई नए प्लान करते थे और कंपनी में हाथ आजमाते थे। एक दो कंपनी से शुरुआत की, 20, 30, 40 इस तरह से कंपनियां इनकी होनी शुरू हो जाती हैं। बस साल 1998 की बात है, इन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की थी, उस कार की धूम पूरे इंडिया में फैल जाती है, कार का नाम रखते हैं इंडिका। और कंपनी जिस तरह से ये बड़ा के बनाते हैं, लेकिन उस हिसाब से यह कार इतना ग्रो नहीं कर पाई, पब्लिक के दिमाग में नहीं चढ़ पाई, और इनको लगता है कि शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए इस कंपनी के विजन को यह बेचना चाहते थे ताकि विदेशी कोई भी इस कंपनी के विजन को ले ले और उसके साथ मिलकर काम करें। लेकिन जब विदेशी कंपनी आती है विलफोर्ड, जो विलफोर्ड कंपनी है उसके मालिक विलफोर्ड मुंबई में इनसे मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद मीटिंग के दौरान ही कुछ इनकी बेइज्जती कर देते हैं। बेइज्जती कुछ ऐसी कि रतन टाटा जी, जब आपको इसके बारे में कोई समझ नहीं थी, आपको इसके काका के बारे में कुछ पता नहीं था, तो आपको यह कंपनी बनानी नहीं चाहिए थी, आपको यह कार बनानी नहीं चाहिए थी, हम इसे खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं, इस तरह की बात की थी। जब अपने घर पर जा रहे थे कार में, तब उन्हें जाते जाते ख्याल आता है कि यह बहुत बड़ी बात करके गया है, बेइज्जती करके गया है। तभी फैसला लेते हैं कि चाहे इनसे कितना भी नुकसान हो जाए, इंडिया कार का जो विजन है वो बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे, और उन्होंने अपनी कार का विजन बेचने से साफ इनकार कर दिया। विलफोर्ड को मायूस होकर वापस जाना पड़ा और ये अपने काम में लग जाते हैं, अलग अलग कंपनियों में हाथ आजमाना शुरू कर देते हैं, चाहे नमक हो, चाहे ज्वेलरी हो, तनिष्क ब्रांड इन्हीं का है, और ताजमहल होटल हो या फिर ताजमहल की चाय हो, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड हैं जो 100 से ज़्यादा कंपनियां इनकी बन चुकी हैं। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, वक्त का पहिया जैसे ही आगे बढ़ता है, साल 2008 में फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकल जाता है। और जब फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो वह अपनी कंपनी को नीलाम कर रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि रतन टाटा जी उसमें हिस्सेदारी लेते हैं और जाते हैं, जाने के बाद इस कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। जब ओवरटेक कर रहे थे तब विलफोर्ड ने कहा था कि रतन टाटा जी, आपने इस कंपनी को लेकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब उन्होंने लैंड रोवर और जगुआर कंपनी को अपने हिस्से में ले लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। आज लैंड रोवर की पहचान है, और जब वो दौर था जब लैंड रोवर और जगुआर डूब रही थी, लेकिन रतन टाटा जी के हाथ से लगते ही वो एक सोना बन जाती हैं और वो चमकने लगती हैं। वक्त का पहिया ऐसा बढ़ रहा था, जो लोगों को यह बात पता चलती है कि जिस व्यक्ति ने उनकी बेइज्जती की थी और इसी के लिए उन्होंने अपनी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था, खरीद लिया था। 26/11/2008 की यह बात है। पाकिस्तान के कुछ आतंकी, जिनकी संख्या लगभग 10 के आसपास बताई जाती है, वह समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश कर जाते हैं और अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। उनके सामने जो भी पड़ रहा था उसको गोली मार रहे थे, उसकी हत्या कर देते हैं। कुछ आतंकवादी ऐसे होते हैं जो समुद्र के रास्ते से जाते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से
वो सीधा एंट्री करते हैं। ताज होटल जो इंडिया का जाना माना है, जो मुंबई का जाना माना नाम है, उसके अंदर जाते हैं। उस वक्त बताते हैं कि लगभग 300 से ज़्यादा गेस्ट उसके अंदर थे, कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे थे और इसी बीच में जिसको देख रहे थे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। हालांकि जैसे ही किसी कर्मचारी ने रतन टाटा जी को ये सूचना दी कि आपके इस होटल में अंदर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और वो गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, तब रतन टाटा जी ने संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन संपर्क हो नहीं पाता। तब वो वहाँ से सीधा पहुँच जाते हैं उसी होटल और होटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों ने, सुरक्षा गार्डों ने, पुलिस वालों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो कहने लगते हैं कि मेरे कर्मचारी, मेरे गेस्ट अंदर परेशान हैं, अंदर गोलियां चल रही हैं और ऐसे वक्त में मैं बाहर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह बात जब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि एक होटल का मालिक, वो इतना बड़ा आदमी है, वह अपने कर्मचारियों को लेकर, अपने लोगों को लेकर इतना ज़्यादा फिक्र करता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। तब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो कुछ रेडी वाले थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आम लोग थे उनको भी नुकसान हो जाता है, कई पुलिस वाले हैं वो भी मारे जाते हैं, जो इनके गेस्ट थे होटल के अंदर वो भी मारे जाते हैं, इनके कर्मचारी मारे जाते हैं। एक कर्मचारी तो ऐसा था जिनकी बेटा और जिनकी पत्नी भी मारी जाती है, लेकिन उसने अपनी फिक्र किए बिना ही अपने कर्मचारियों की, जो कर्मचारी होते हैं, साथ ही अपने जो गेस्ट होते हैं उनकी सुरक्षा में लग जाते हैं, उनकी मदद करने में लग जाते हैं, लेकिन वो होटल से भागी नहीं। जब यह बात अमेरिका या कई बाहरी विदेशी मुल्कों को पता चलती है तो इस पर रिसर्च होता है बाकायदा कि आखिरकार ऐसे क्या कर्मचारी हैं ऐसे रतन टाटा जी की तरफ से कि वहाँ गोलियाँ चल रही थीं और गोली चलने के बावजूद भी मौका था भागने का लेकिन भाग नहीं पाते। पता चलता है कि अपने कर्मचारियों के प्रति इतना शानदार व्यवहार रखते थे कि हर कर्मचारी को इनसे मिलकर ऐसा लगता था कि जैसे कि यह मेरे घर के सदस्य हैं, जैसे मेरे परिवार का हिस्सा हैं, और परिवार के हिस्से में जब परिवार मुसीबत में आता है तो परिवार के लोग कोई छोड़ कर नहीं जाता है। इसलिए कर्मचारी पर जो रिसर्च किया गया था वो बिल्कुल सच पाई जाती है। और जब यह बात रतन टाटा जी को पता चलती है कि कोई भी कर्मचारी, एक भी कर्मचारी होटल में भागा नहीं, तब उन्होंने अपने उन कर्मचारियों के कर्जे भी माफ़ किए, उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनकी सैलरी भी देंगे और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जो कर्मचारी मारे जाते हैं वो लोग मारे जाते हैं उनके बच्चों की शिक्षा हो, उनके बच्चों की चिकित्सा हो, उनकी अन्य सुविधाएं हो, उनके बारे में भी, न केवल उनके बारे में बल्कि जो रेहड़ी वाले होते हैं उनके बारे में भी ऐसा बताया जाता है। एक लड़की के टांग में गोली लग जाती है और उस लड़की ने बाद में अजमल कसाब को पहचान भी लेती है। उस लड़की के ऊपर जितना भी खर्चा आता है रतन टाटा जी अपने ऊपर लेते हैं। आसपास में जितने भी लोग होते हैं 20 दिन में ही उनकी सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि यह भी बताया जाता है कि सरकार की तरफ से उन परिवारों को लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं मदद पहुंचने में, लेकिन रतन टाटा जी ने महज 20 दिन में ही सब लोगों की मदद कर दी थी और भविष्य में भी मदद करने का भरोसा दिलाया था। शायद यही वजह थी जो कर्मचारी जा सकते थे लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो जाते नहीं हैं। एक बार यह बताया जाता है कि मुंबई से नासिक यह अपनी टीम के साथ जा रहे थे। कार से तो रास्ते में टायर पंचर हो जाता है, जब टायर पंचर हो जाता है तो पंचर की दुकान की तलाश करते हैं। हालांकि पंचर की दुकान मिल जाती है लेकिन उस दुकान से कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान होती है, तो यह लोग वहां पर चाय पीने के लिए जाते हैं। इसी बीच में कुछ लोगों को लगता है कि शायद रतन टाटा जी टॉयलेट करने के लिए इधर उधर गए हैं, लेकिन जब काफ़ी देर तक नहीं आते हैं तब कर्मचारियों को थोड़ी परेशानी होने लगती है, उनकी तलाश करने लगते हैं। जब वो गाड़ी के पास जाकर देखते हैं टाटा ने तो कभी शादी नहीं बना रहा था, जीवन भर वो देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए कि अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम करेंगे। यह बात जब बाकी कर्मचारी को पता चलती है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वो कितनी सादगी के साथ रहते हैं। ऐसे ही इनका एक और किस्सा है अक्टूबर 2016 का। उन्हें ग्वालियर बुलाया जाता है एक स्कूल में गेस्ट लेक्चर के लिए। जब ये जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पूरा तामा झामा फैला हुआ है और एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने सेक्रेटरी होंगे, उनके सुरक्षा गार्ड होंगे, उनकी बहुत बड़ी टीम उनकी आएगी, लेकिन पता चलता है कि जो रतन टाटा जी होते हैं वो अकेले ही एयरपोर्ट पर आए हुए थे और जब उनका स्वागत करते हैं
तो यह बात एक स्टूडेंट ने उनसे पूछी थी कि आप इतने बड़े आदमी हैं, तो सादगी के साथ ही उन्होंने जवाब दे दिया था कि मुझे आम लोगों की तरह रहना अच्छा लगता है। वो इतना पैसा कमाते थे ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि कई राज्य लगभग 4-5 राज्य मिलकर इतना टैक्स भी नहीं वसूल कर पाते जितना टैक्स देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दे दिया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि जिस जगह से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी, जिस विद्यालय में जाते हैं, उस विद्यालय में आज की तारीख की अगर बात करें तो लगभग 415 करोड़ रुपए का ये दान कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी किसी ने इतना दान नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट अगर आते हैं तो इस पैसे से उनके स्कॉलरशिप में भी मदद कर देना। यही नहीं, जब कोरोना काल आया था तो उस वक्त इन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए की देश में मदद की थी। और यही नहीं, चाहे वो किसी भी खाने की बात हो, चाहे किसी के पहनने की बात हो, चाहे बहुत सारी संस्था हो, चाहे किसी ग्रेजुएशन की बात हो, चाहे किसी की चिकित्सा की बात हो, लगभग अपनी कमाई का 66% रतन टाटा जी दान कर दिया करते थे। और खुद ही वो ऐसे रहते थे जैसे कि एक साधारण सा व्यक्ति हो। 9 अक्टूबर 2024 को जब उनकी मौत की खबर अखबारों से, सोशल मीडिया से ये फैलती है तो लोगों को उनके मरने का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। न जाने कितने लोगों ने उनके जाने के बाद आंसू भी निकाले और भावुक हो जाते हैं, उनको नम आंखों से विदाई देते हैं। जैसे मुंबई में इनके बारे में पता लगता है कि मुंबई की फला जगह पर वो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। यूं ही नहीं, कोई रतन टाटा बन जाता है। 21 वर्ष में उन्होंने अपनी इस कंपनी को 40 गुना से 50 गुना तक ज़्यादा आगे बढ़ा दिया था और इसलिए इन्हें लोग इतने अदब से इनका नाम लेते हैं। दोस्तों, इन छोटे छोटे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, आपको बताना है कि ऐसे महान व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति के चले जाने से पूरे देश को इतनी तकलीफ हुई है जिसका शब्दों में बयां करना आसान नहीं है कि मैंने ऐसे व्यक्ति के बारे में जो छोटी मोटी कुछ जानकारियां हैं बताने की कोशिश की है। बाकी ऐसे व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं और ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए जिसकी वजह से लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी वर्ग से बिलोंग क्यों ना करता हो। हर व्यक्ति ने उनके जाने का अफसोस मनाया है। बाकी अफसोस वाली बात भी है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।